डियर स्टूडेंट्स, बड़ी अपडेट है आप लोगों को। कॉपी देखने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वॉइस का इशू रहेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है पूरा मैनुअल बताऊँगा, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। अब देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, नोटिस भी आई है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। नोटिस पढ़ लेते हैं। 10 तारीख को नोटिस आई है, आप लोग अपनी जो कॉपी है उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए पंजीकरण कैसे करना होगा वो बता रहे हैं। आपको पता ही है, आपकी कॉपी देखने के लिए BTUP की साइट पर लिंक आएगा, कैसे क्या करना है वो बात समझ लो ध्यान से। थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखिए निःशुल्क कॉपी आप देख सकते हो, अगर आप पास हो तो भी देख सकते हो, फेल हो तो भी, लेकिन ऐसा नहीं देख सकते हो, उसके बाद कार्रवाई भी कर सकते हो टीचर के ऊपर, आपकी कॉपी गलत चेक हुई है तो कार्रवाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर करना क्या होगा, आप उक्त क्रम में इच्छुक छात्र छात्राएं अपनी कॉपी वेबसाइट पर ई सर्विस जनहित के माध्यम से 11 तारीख यानी आज से 14 के बीच में रजिस्ट्रेशन आपका होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन लॉगिन के उपरांत आप देख सकोगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो इसके लिए आपको वहीं पर लिंक मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में समझ जाओगे। देखिए, ये भी अवगत कराना है कि पंजीकृत छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर परिवर्तित नहीं किया जाएगा, एक बार जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो सही एक्टिव हो क्योंकि उसमें OTP जाएगा, वेरीफाई होगा, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन एक ही बार मान होगा कि छात्र छात्रा ने गलत भर दिया है, गलत बेसन का चयन कर दिया तो उसमें सुधार नहीं किया जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं जल्दीबाजी ना किया करें। बहुत से बच्चे रीचेक में भी जल्दीबाजी करते हैं तो गलत हो जाता है, बाद में रोते हैं, वो चीज़ें हैं। छात्र छात्रा अपने विषय का चयन सावधानीपूर्वक करें, अपेक्षा है कि इस नोटिस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए, आपको करना कैसे है, पहला प्रोसीजर तो आपका ये रहेगा, ठीक है। आपको पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल पे। वो कैसे रजिस्ट्रेशन है, उसका ID पासवर्ड बनाना होगा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वो बनाना सीख लो आप, पहले समझ लो। देखिए, आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, BTUP की साइट पे अपना ID पासवर्ड बनाना होगा। देखिए, BTUP रजिस्ट्रेशन आप सर्च करोगे यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर, फिर ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इस पर आपको और पहले रजिस्ट्रेशन करना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन करना होगा सिंपली। रजिस्ट्रेशन बहुत से बच्चे नहीं किए हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साइट बताई जा रही है तो पूरा वीडियो ध्यान से समझ लें। देखिए, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के इसको वेरीफाई करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दिखा दूँ, इनरोलमेंट नंबर मैंने डाल दिया है, उसके बाद आपको वेरीफाई इनरोलमेंट नंबर पर क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही इस पर क्लिक कर दो, देखिए जिन बच्चों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो इस तरीके से शो करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आप लॉगिन करके उसको देख सकते हो, अगर नहीं है तो कैसे करना है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो उसका तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था, अब मैं आपको दूसरा नंबर दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा, इसका भी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए, अगर आपने पहली बार इसमें अकाउंट बना रहे हो तो अपना इनरोलमेंट डालकर वेरीफाई करोगे, और रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रहेगी यहाँ शो करेगी, और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के मोबाइल नंबर डाल के आपको गो स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है, यूनिक पासवर्ड बनाना है। जैसे मान लो आपका नाम है संजय, या फिर कोई भी नाम हो सकता है, मान लो आपका नाम राम है तो RAM@1234 ऐसे डाल लो, RAM@9675 इस तरीके से, 8090 ऐसे अपना पासवर्ड बना के आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। देखिए, पासवर्ड बनाने के बाद लॉगिन करने के लिए आपको इस साइट पे आना है, लॉगिन वाले पे, और अपना इनरोलमेंट नंबर ये सब डाल के आपको लॉगिन करना है। आपका पासवर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, देन यहाँ पर क्लिक करोगे और इस लॉगिन वाले पे आप क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको टू व्यू वन बुक इस तरीके से एग्जामिनेशन क्लिक करने वाली आ जाएगी ये वाली लिंक, लेकिन ये लिंक अभी जनरेट नहीं हुई है। जैसे ही क्लिक करोगे अभी सर्वर का इशू है, देख सकते हो, ठीक है। ये लिंक आपको यहीं पर डायरेक्टली ले आएगी, तो वो पोर्टल पे पहले आपको ID पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। ID पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना है मैंने समझा दिया है, कैसे क्या करना है आप समझ गए होगे, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर टच करोगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, समझ में आया आप लोगों के, ठीक है, बराबर भाई। देखिए, इस तरीके से आपका पोर्टल इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देखो, दूसरा स्टेप में मोबाइल नंबर ये सब डाल के आपको फिलअप करना है। जैसे ही फिलअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर देखिए यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो एक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है,
तो उसके बाद आप लोगों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, उस OTP को फिल करके आपको सबमिट करना है। देन जैसे ही आप सबमिट करोगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, जो भी आपका डाटा रहेगा है ना वो सारी डिटेल यहाँ पर आपकी शो करने लगेगी, जो जो आपकी डिटेल्स है, क्लियर है। फिर यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का आप कॉपी देखना चाह रहे हो, जो भी आपका सेमेस्टर होगा उसके डिटेल के अनुसार कॉपी शो करने लगेंगी, पेपर शो करने लगेंगे। मान लो आपके इसमें देखना चाह रहे हो कंप्यूटर प्रिंसिपल, इसमें देखना चाह रहे हो तो उस पर क्लिक करोगे और सिंपली आराम से देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पर इन दो पर क्लिक करोगे, फिर आपका सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, इनकी कॉपी देखना है, इनों की देख सकते हो, इसमें फ्री है, कोई रुपया नहीं है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसीजर क्या है मैनुअल बता दे रहा हूँ। अभी देखिए लिंक अभी थोड़ा सा एक्टिवेट नहीं हुआ है बच्चों, अभी हो सकता है साइड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक्टिवेट ना हुआ हो, शाम को आराम से करना। अभी देखिए साइड में गलती से कर दिए, प्रॉब्लम हो गई तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद आपको प्रिंट डाउनलोड कर लेना है, इस तरीके से आपका प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी ज़रा ध्यान से समझ लो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो आंसर शीट है केवल एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हो, या यहाँ से भी लिंक आपका जनरेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने वहीं पर लिंक दिया वहीं छोड़ेगा। तो अभी देखिए साइड अभी थोड़ा सा मैनुअली अभी साइड जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तो अभी साइड पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है, और जब लगभग 12-1 बजे 2 बजे के समथिंग ये अपडेट हो जाएगा। मैनुअल आप लोग सीख लीजिए, मैनुअल मैंने बता दिया कि कैसे क्या करना है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, अब मैनुअल से देख के कर सकते हो। और शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा लगभग 5-6 बजे समथिंग कि कैसे आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, हालांकि प्रोसीजर यही रहेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।